हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क जी में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पहले पुराने ईयर्स में भी पूछे गए हैं। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन्होंने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच कंट्री डिड श्रीदेवी डाई? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूएसए। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी दुबई। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी ब्रुनेई, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इंडिया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। एशियन ASEAN स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। द मोटो ऑफ एशियन इज वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। 8th August इज ऑब्जर्व्ड एज एशियन डे। क्वेश्चन नंबर 3, आधार इज इशूड बाय UIDAI, इट्स फुल फॉर्म इज ऑप्शन ए यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी यूनिक आइडेंटिटी ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वॉज द ओल्ड हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन ए गॉर्टन कासल, ऑप्शन बी रेवंसवुड, ऑप्शन सी होली लॉज, ऑप्शन डी एवालॉज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी रेवंसवुड। क्वेश्चन नंबर 5, द सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप्ड विच सेक्शन ऑफ द IPC इन फेवर ऑफ द LGBTQ कम्युनिटी? ऑप्शन ए 377, ऑप्शन बी 277, ऑप्शन सी 477, ऑप्शन डी 177। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 377। क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिस रंजन गोगोई इज द डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए 45th, ऑप्शन बी 46th, ऑप्शन सी 47th, ऑप्शन डी 48th। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, विच सिटी ऑफ UP वॉज रिसेंटली नेम्ड प्रयागराज? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी बरेली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 8, इलॉन मस्क इज द ओनर ऑफ SpaceX एंड द मोटर व्हीकल कंपनी नेम्ड? ऑप्शन ए अस्टन मार्टिन, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी जैगुआर, ऑप्शन डी जनरल मोटर्स। इसका जो करेक्ट आंसर है आप सबको ही पता है ऑप्शन बी टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? ठीक है, करंट चीफ जस्टिस। ऑप्शन ए जस्टिस अहमद ए सईद, ऑप्शन बी जस्टिस धर्मचंद चौधरी, ऑप्शन सी जस्टिस सूर्यकांत, ऑप्शन डी जस्टिस मोहम्मद रफीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए जस्टिस अमजद ए सईद, और जो इनसे पहले थे वो थे जस्टिस मोहम्मद रफीक। क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? ऑप्शन ए जस्टिस MH बेग, ऑप्शन बी जस्टिस RS पाठक, ऑप्शन सी जस्टिस TU मेहता, ऑप्शन डी जस्टिस VD मिश्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए जस्टिस MH बेग। ये हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट हैड अ कंकरेंट इलेक्शन विद हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात के हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ साथ इलेक्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर वॉज द डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च्ड? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। तो जो हमारा डिजिटल इंडिया कैंपेन है वो हमारा लॉन्च हुआ था 2015 में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 13, द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका इज, ऑप्शन ए साउथ अफ्रीकन पौंड, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीकन डॉलर, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीकन रैंड, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीकन डिनार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी साउथ अफ्रीकन रैंड। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ फीमेल जज इन द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए जस्टिस इंदु मल्होत्रा, ऑप्शन बी जस्टिस कमलेश शर्मा, ऑप्शन सी जस्टिस आर भानुमति, ऑप्शन डी जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी जस्टिस कमलेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज रिलेट्स मोस्ट टू द ISIS क्राइसिस। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी सीरिया, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी सीरिया। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज़ द नॉर्थ कोरियन लीडर इज पॉलिटिशियन सर्विंग एज सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया सिंस 2011 एंड ऑल्सो सर्विंग एज द चेयरमैन ऑफ द वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया सिंस 2012। ऑप्शन ए किम जोंग उंग, ऑप्शन बी किम जोंग लुन, ऑप्शन सी किम लोंग उन, ऑप्शन डी किम जोंग उन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी किम जोंग उन। क्वेश्चन नंबर 17, द हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वॉज सेटअप इन विच ईयर। ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017 या ऑप्शन डी 2018। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2016। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर इज़ द हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी लोकेटेड। ऑप्शन ए ऑब्जर्वेटरी हिल, ऑप्शन बी बेंटनी कासल, ऑप्शन सी समरील, ऑप्शन डी स्ट्रॉबेरी हिल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी समरील, जो हमारी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है समरील में है। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ सिनेमा हॉल ऑफ शिमला ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। ऑप्शन ए शाही थिएटर, ठीक है सिनेमा हॉल, ऑप्शन बी रिट्स, ऑप्शन सी रीगल, ऑप्शन डी मनोरविले मेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी मनोरविले मेंशन। क्वेश्चन नंबर 20, मानुषी छिल्लर वॉन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स फॉर द ईयर 2017। ऑप्शन ए मिस इंडिया, ऑप्शन बी मिस वर्ल्ड, ऑप्शन सी मिस यूनिवर्स, ऑप्शन डी मिस हिमाचल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी मिस वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 21, ज्वालामुखी टेंपल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन ए कांगड़ा, ऑप्शन बी धर्मशाला, ऑप्शन सी ऊना, ऑप्शन डी सोलन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 22, विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नेम्ड आफ्टर गॉडेस सुलिनी। ऑप्शन ए सिरमौर, ऑप्शन बी सोलन, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी सराहन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सोलन। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन ए 65, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 67, ऑप्शन डी 68। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 68। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ईयर डिड द बिगेस्ट अर्थक्वेक रिकॉर्ड टेक प्लेस इन कांगड़ा। ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1805। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1905। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉइस असिस्टेंट। ऑप्शन ए एलेक्सा, ऑप्शन बी गूगल होम, ऑप्शन सी एको डॉट, ऑप्शन डी किंडल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी किंडल, ये बाकी सारे हमारे वॉइस असिस्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हु इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट सिटीजन। ऑप्शन ए सफीना, ऑप्शन बी सोफिया, ऑप्शन सी सबरीना, ऑप्शन डी समंथा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सोफिया।
वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एआई इन रोबोटिक एंड कंप्यूटर इंडस्ट्री ऑन विच रिसर्च इज बीइंग एक्सटेंसिवली डन इन द प्रेजेंट। ऑप्शन ए एयर इंडिया, ऑप्शन बी ऑल इंडिया, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ऑप्शन डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नासा। ऑप्शन ए नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेसक्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेसक्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज़ द ओनली लिविंग स्पीसीज ऑफ अर्थ दैट कैन सर्वाइव इवन इन स्पेस। ऑप्शन ए टर्डिग्रेड्स, ऑप्शन बी सेंटीग्रेड्स, ऑप्शन सी सेंटीपेड्स, ऑप्शन डी कॉकरोचेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए टर्डिग्रेड्स। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इंडिया गेट, ऑप्शन सी ताजमहल, ऑप्शन डी चार मीनार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इंडिया गेट। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज़ द मेन रिवर दैट फ्लोज थ्रू बिलासपुर। ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी चिनाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सतलुज। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मैनी असेंबली सीट्स डज चंबा डिस्ट्रिक्ट हैव। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 5। क्वेश्चन नंबर 33, कोट कैलूर असेंबली सीट इज़ फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए चंबा, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी सोलन, ऑप्शन डी बिलासपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी बिलासपुर। क्वेश्चन नंबर 34, वेयर इज़ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन ए कालपा, ऑप्शन बी सांगला, ऑप्शन सी चितकुल, ऑप्शन डी रिकांगपियो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी रिकांगपियो। क्वेश्चन नंबर 35, ताबो मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए लाहौल स्पीति, ऑप्शन बी कुल्लू, ऑप्शन सी मंडी, ऑप्शन डी सिरमौर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए लाहौल स्पीति। क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ईयर डिड द टॉय ट्रेन स्टार्ट रनिंग ऑन द कालका शिमला हेरिटेज रेलवे लाइन। ऑप्शन ए 1903, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1906। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1903। क्वेश्चन नंबर 37, वेयर इज़ द हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन ए स्ट्रॉबेरी हिल, ऑप्शन बी बेमलोई, ऑप्शन सी फेयरलॉन्स, ऑप्शन डी गॉटन कासल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी फेयरलॉन्स। क्वेश्चन नंबर 38, इन विच ईयर वॉज द यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड एट नौनी सोलन। ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1990। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1985। क्वेश्चन नंबर 39, द पीर पंजाल पीक फॉल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल। ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी लाहौल स्पीति, ऑप्शन सी चंबा, ऑप्शन डी किन्नौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी चंबा। क्वेश्चन नंबर 40, हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वॉज सेटअप एट। ऑप्शन ए नालागढ़, ऑप्शन बी ड्रो, ऑप्शन सी सोलन, ऑप्शन डी ऊना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ड्रो। क्वेश्चन नंबर 41,
श्री नैना देवी टेम्पल वॉज फाउंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए संसार चंद, ऑप्शन बी उग्रसेन, ऑप्शन सी पांडवास, ऑप्शन डी राजा बीरचंद। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी राजा बीरचंद। क्वेश्चन नंबर 42, कुल्लू दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ विच डेटी? ऑप्शन ए लॉर्ड रघुनाथ, ऑप्शन बी मार्कंडेय ऋषि, ऑप्शन सी गॉडेस दुर्गा, ऑप्शन डी सिरगुल देवता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए लॉर्ड रघुनाथ। क्वेश्चन नंबर 43, नलवार मेला हेल्ड रिसेंटली इन मार्च 2022 इज द फेयर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन ए सोलन, ऑप्शन बी ऊना, ऑप्शन सी चंबा, ऑप्शन डी बिलासपुर। तो जो नलवाड़ी मेला लगता है हर साल मार्च के महीने में, वो लगता है हमारा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, डोंगरी फेयर इन मनाली इज डेडिकेटेड टू विच डेटी? ऑप्शन ए मनुप टेम्पल, ऑप्शन बी हडिम्बा टेम्पल, ऑप्शन सी सियाली महादेव टेम्पल, ऑप्शन डी घटोत्कच ट्री टेम्पल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी हडिम्बा टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 45, अ फेयर विच इज हेल्ड इन ऑनर ऑफ जमलु देवता जमदग्नि ऋषि? ऑप्शन ए मलाना फेयर, ऑप्शन बी शिमला फेयर, ऑप्शन सी पालमपुर फेयर, ऑप्शन डी मनाली फेयर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए मलाना फेयर। क्वेश्चन नंबर 46, रानी का ताल इज अ पार्ट ऑफ? ऑप्शन ए सोलन, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी कांगड़ा, ऑप्शन डी सिरमौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी सिरमौर, रानी का ताल इज अ पार्ट ऑफ सिरमौर। क्वेश्चन नंबर 47, विच कुल्लू रूलर रूल्ड फ्रॉम नगर? ऑप्शन ए उत्तमपाल, ऑप्शन बी माहिपाल, ऑप्शन सी संसार चंद, ऑप्शन डी जीत सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी माहिपाल। क्वेश्चन नंबर 48, सोनितपुर इज एन एंशियंट नेम ऑफ फॉर? ऑप्शन ए सोलन, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी सराहन, ऑप्शन डी ठेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी सराहन। क्वेश्चन नंबर 49, विच मुगल रूलर विजिटेड कांगड़ा इन द ईयर 1622? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 50, हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन ए राजा वीरभद्र सिंह, ऑप्शन बी प्रेम कुमार धूमल, ऑप्शन सी यशवंत सिंह पवार, ऑप्शन डी आचार्य देवव्रत। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी यशवंत सिंह परमार। तो दैट्स ऑल, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।